इंदौर में सुकून के पल मेरे शहर के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों ने शहर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और अपने सुझाव दिए। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मां अहिल्या की नगरी इंदौर शहर अब स्मार्ट सिटी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। लिहाजा सही विकास और शहर की पहचान बनाए रखने के लिए अभ्यास मंडल द्वारा प्रेस क्लब आनंद मोहन माथुर सभागृह में सुकून के पल मेरे शहर के लिए कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पीतम्बर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर गौतम कोठारी ने शहर से जुड़े अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। इलाज सामान्य क्लिनिक में सामान्य डॉक्टर के द्वारा संभव हो सकता है। जो कठिन बीमारियां हैं, जो बहुत ज्यादा ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज छोटे क्लिनिक में नहीं हो सकता, तो उनके लिए बड़े मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल और दूसरे एक्सपर्ट की सेवाएं तो उपलब्ध होती ही है। हमारे यहाँ अब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की बात भी बहुत आगे आई है। जैसे जैसे स्वास्थ्य की लागत बढ़ती जा रही है, आप हम सब देख रहे हैं कि जागरूकता भी उतनी धीरे धीरे बढ़ रही है, पर समस्या जो है वो यानी जहाँ समाधान ढूंढने जाते हैं वहाँ एक नई समस्या आ जाती है। और आजकल जो है संक्रमण जो है वो बहुत तेजी से होता है। जैसे अब स्वाइन फ्लू से शायद बहुत कम लोग अफेक्टेड होंगे, लेकिन जो डर का जो माहौल है वो भी हम लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है। तो सरकार चाहे जितने बड़े बड़े खर्चे करे, अभी हमारे भारत शासन ने आयुष्मान योजना लागू कर 50 करोड़ लोगों को उसमें रजिस्टर करने का लक्ष्य है, 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज की व्यवस्था है, निश्चित रूप से बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन कठिनाई हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन। वहीं कार्यक्रम में पर्यावरणविद ओपी जोशी, समाज सेवी अतुल सेठ, अभ्यास मंडल के अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता, वरिष्ठ अभिभाषक जय हाडिया, सांसद प्रतिनिधि राजेश अग्रवाल मौजूद रहे, जिन्होंने शहर के विकास, ट्रैफिक का निराकरण कैसे हो, नदियों का संरक्षण कैसे किया जाए, पर्यावरण पर कैसे जागरूकता लाई जाए जैसे मुद्दों पर सुझाव दिए। आज नियमों का पालन और नियमों का बनना ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और आज जितनी भी योजना हमने इंदौर शहर में देखी, इंदौर शहर को मैं केस स्टडी के रूप में कुछ बातें रखता हूँ, क्योंकि इंदौर की समस्या ऐसा नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। जब भी कोई बात होती है प्रयोग की, सुधार की, तो अधिकतम पैसा किसमें खर्च होने वाला है वहां से शुरुआत होती है। योजना वो आती है जिस पर अधिकतम पैसा लगने वाला और आवश्यकता न्यूनतम पैसे की है। तो ये अधिकतम पैसे का प्रावधान और न्यूनतम की आवश्यकता और इसके बीच में हम जैसे आम लोग आज इंदौर की बात करें केस स्टडी के रूप में, तो इंदौर के यातायात के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए केवल यातायात को सुधारने के लिए। अगर 1500 करोड़ रुपए अगर रखे जाए और ईमानदारी से जनप्रतिनिधि इस बारे में चर्चा करे, चिंतन करे और दो चार अधिकारी नियुक्त हो जाते हैं, अगर कलेक्टर इंदौर में आते हैं तो सफाई के अंदर नंबर वन लिया है, वैसा जुनून वाला कोई चरण करने वाला अधिकारी अगर आता है तो मेरा दावा है कि 1500 करोड़ में मात्र इंदौर की यातायात का 80% समाधान हो सकता है। न स्कूल के बच्चों को, न कॉलेज के बच्चों को 4000 बसों की रखने आवश्यकता पड़ेगी, न इंदौर को 15000 के पहले फेज की और 32-30 हजार करोड़ की मेट्रो की आवश्यकता पड़ेगी जब तक कि 1000 करोड़ का शहर हमारा इंदौर न हो जाए। हमारी जो विभिन्न समस्याओं पर हम लोगों ने चर्चा की है उनमें विशेष रूप से ट्रैफिक एक मुख्य वो है, और उसके लिए राज्य सरकार को, नगर पालिका को, पुलिस को, हमारे जगत नारायण जोशी जी जैसे एक्सपर्ट लोग यहाँ पे उपस्थित है उपलब्ध हैं। हमारे ट्रैफिक के पुराने अधिकारी लोग, राम सिंह रानावत जैसे लोग इंदौर में ही निवासरत हैं,
ऐसे कुछ लोगों को टीम बना के और ट्रैफिक इंजीनियर की जैसे अतुल सेठ जी ने कहा पिछले हमारे कार्यक्रम में महापौर जी ने आश्वस्त किया था कि शीघ्र हम ट्रैफिक इंजीनियर की व्यवस्था कराएंगे, उसको भी शीघ्र की जाना चाहिए। कुल मिलाकर इंदौर में लोग सुकून के पल बिता सके, इसी को ध्यान में रखकर मंथन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।